असलम स्टूडेंट्स आई होप सो यू आल आर फाइन नाउ वी आर गोइंग टू रीड साइंस लेट स्टार्ट चैप्टर नंबर फोर यूनिट हीट इस यूनिट की जो रीडिंग है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है अब मैं आपको इस यूनिट को एक्सप्लेन कर देती हूँ ओके इस फर्स्ट पैराग्राफ में हमसे उन्होंने क्वेश्चन किया है कि जब आप किसी गर्म कप या किसी बर्फ़ के टुकड़े को छूते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं ओके आप जब इसके क्वेश्चन का आंस देने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं इनकी वजाहत करने के लिए आप अक्सर कहते हैं हॉट कोल्ड टेम्परेचर और हीट ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं कुछ लोग हीट और टेम्परेचर को सेम थिंग्स कंसीडर करते हैं बट ऐसा नहीं है हम इसको समझने के लिए आगे बढ़ते हैं नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस पैराग्राफ ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स व्हाट इज़ मैटर ओके हर वो चीज़ मैटर कहलाती है जो जिसका कोई मैस हो जो वज़न रखती हो या जगह घिरती होके okay? और जो मैटर्स हैं वो किससे मिलके बने होते हैं छोटे छोटे से पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं दीज पार्टिकल्स कीप मूविंग ऑल द टाइम और वो पार्टिकल्स हर वक्त मूव करते रहते हैं इनमें से कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत तेज़ी से मूव करते हैं कुछ बहुत स्लोली मूव करते हैं कुछ वाइब्रेट करते हैं ओनली ऑन on. कुछ पार्टिकल्स जो बहुत तेज़ मूव करते हैं वो कौन से ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स होते हैं जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो हैं बहुत तेज़ी से मूव करते हैं जब हम किसी चीज़ को ठंडा करते हैं तो उसके पार्टिकल्स आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं टेम्परेचर पे आ जाते हैं टेम्परेचर जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट किया जाता है तो उसकी हॉट नेस या उसकी कोल्डनेस को बताने के लिए जब किसी चीज़ को ठंडा किया जाता है उसकी उसको बताने के लिए कि कोई चीज़ कितनी हॉट है और कितनी कोल्ड है तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं टेम्परेचर का ओके okay? किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इस इसके इसके साइज़ पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक बकेट है और एक हमारे पास कप है एक कप एक में वाटर है और एक बकेट में वाटर है बकेट कहते हैं किसी बाल्टी को किसी बड़े बर्तन को ठीक है उन दोनों का टेम्परेचर जो होगा वो सेम होगा अब ये नीचे उन्होंने एग्जाम्पल दी है एक कि विच ऑफ दीज डू यू थिंक हैव मोर एनर्जी इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज़्यादा हो सकती है मैंने आपको पीछे बताया है कि उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी जिसके पार्टिकल्स तेजी से मूव करेंगे ये नीचे भी बताया टू आंसर दिस क्वेश्चन यू विल हैव टू थिंक अबाउट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स के पार्टिकल्स की मूवमेंट के बारे में के बारे में पता होगा तो हम इसका आंसर दे सकेंगे एक ग्लास ऑफ वाटर इन डायरेक्ट सनशाइन एक ग्लास है वाटर का वो सूरज के सामने पड़ा है और एक जो है फ्रिज एक ग्लास है वो फ्रिज में पड़ा है आपने बताना है कि किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी ठीक है आप ये सोचें और इसका आंसर ज़रूर कीजिएगा उसके बाद हीट पे आ जाते हैं हम हीट की बात करते हैं हीट हीट जो हो है थर्मल एनर्जी का एक ट्रांसफ़र है हीट जब थर्मल एनर्जी एक हॉट बॉडी से किसी कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती है तो वो हीट कहलाती है ठीक है अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी है कि अगर एक कप है गरम कप है चाय का तो उसको अगर उसके अंदर हम ठंडा दूध मिला देते हैं तो वो जो है चाय की जो हॉटनेस है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी कोल्ड मिल्क के अंदर ठीक है और वो चाय का कप ठंडा हो जाएगा इट्स मीन के एनर्जी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र हो गई है Now we have completed our two days diary work. Page number sixty-seven and page number seventy-seven. I hope so. You understand? Okay, Allah Hafiz.